आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी को कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे बच्चे किसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हैं लेकिन उनको याद नहीं होता है, तो आज आपको कुछ मैं टिप्स बताऊंगा जिसके आधार पर अगर आप किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर उसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए कि सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पर आप फोकस कीजिए एक बार कि मुझे यह सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे इसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप उसको बैठने की पोजीशन लीजिए कि आपको बैठना कैसे है। कुछ लोग बैठने की पोजीशन जब पढ़ाई की करते हैं तो ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग इस तरह लेट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें इस प्रकार जितना आप आराम की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपको नींद आने की संभावना बनी रहेगी। इस प्रकार से आप इस पोजीशन में बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, सीधे बैठिए और सामने आपकी किताब होनी चाहिए। इस तरह से आपकी नज़र सीधा किताब पर होनी चाहिए, आड़े तिरछे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब आप एक पैराग्राफ पढ़ लें तो उस पैराग्राफ में क्वेरीज को छांटने की कोशिश कीजिए, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने इसमें इतनी दूर में क्या क्या पढ़ा है और किन किन बिंदुओं पर हमने जो इम्पोर्टेंट है, जो हाईलाइटेड है, जिसके बारे में खास खास वहाँ पर लिखा गया है, उसको आप पेंसिल से मार्क आउट कर दीजिए। उसके बाद उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद थोड़ी देर आप आंख बंद करके सोचिए कि मैंने इस पैराग्राफ में शुरू से लेकर अंत तक क्या पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि पढ़ते तो हैं, अक्षर पर नज़र होती है, शब्दों को देखते हैं, होंठ से बोलते भी हैं, लेकिन यहाँ पर उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। तो यह पक्का कर लीजिए कि आप जब किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन आपके उसी सब्जेक्ट के रिलेट संबंधित होना चाहिए, कि आप बिल्कुल ब्लैंक माइंड को लेकर के इस वक्त सामने कुछ भर रहे हैं अपने दिमाग में पढ़ पढ़ करके, ऐसा सोच करके बैठिए। जब किसी शब्द को आप पढ़ रहे हो तो उस शब्द को कल्पनाओं में भी लाइए। जैसे सपोज करो कि एक लीडरशिप है, लीडरशिप में बोला गया कि लीडर जो होता है वह एक क्वालिटीफुल होता है। जैसे मान लीजिए कि उसकी क्वालिटी कौन कौन सी है, लाइक डायरेक्शन, डायरेक्टिव होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार से सोचिए कि लीडर मैं ही हूँ, मुझे ही इंटेलिजेंट होना चाहिए और मुझे ही जो है इस प्रकार की क्वालिटी में मैं अपने आप को लीडर समझूँ, उस करेक्टर में अपने आप को खुद पहुँचा लेना चाहिए। जैसे जैसे आप कल्पनाओं में खोएंगे ठीक उसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और आपको याद होता चला जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि आप जब किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो थोड़ी देर में स्वाभाविक है कि आधा एक घंटे बाद बोरियत महसूस होने लगती है। जब ऐसा हो कि आप उसमें बोर महसूस हो रहे हो तो आप सब्जेक्ट को फौरन चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन चेंज करने के गैपिंग सिस्टम में आपको कम से कम आधा घंटे का ब्रेक होना चाहिए। वो आधा घंटा आप जो है आधे घंटे में आप रिक्रीशन यानी थोड़ा मनोरंजन या थोड़ा बाहर घूम जाइए, कहीं टहल लीजिए, यह करना बहुत आवश्यक है। चौथा पॉइंट है कि आप स्थान बदलिए। जिस स्थान पर आप एक बार बैठ करके पढ़ रहे हैं उस स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर आप जा करके स्टडी कीजिए। जैसे मान लीजिए कमरे में पढ़ रहे थे, बरामदे में चले जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर शांति का होना बहुत ज़रूरी है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस यह होना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि अगर आपने पढ़ना शुरू किया है, अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं और उसी टॉपिक को ही याद करना है और उसी का कल को टेस्ट है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसको राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। कभी कभी हम पढ़ते हैं और पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, अगले दिन टेस्ट होता है लेकिन मन नहीं करता पढ़ने का, तो उस सिचुएशन में नींद आने की संभावना भी होती है, तो आप लिखने का जो सिस्टम है उसको फॉलो करिए, तो आप लिख लिख करके देखेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। एक्सरसाइज इसमें बहुत अहम रोल अदा करता है, व्यायाम करना बहुत स्वाभाविक है कि हर बच्चों को करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इससे मेंटल जो होता है पूरा एक्सरसाइज हो जाता है दिमाग का, और दिमाग में हम किसी चीज़ को डालेंगे तो दिमाग बिल्कुल उस चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेगा। तो एक्सरसाइज, खेलना कूदना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इन सभी बातों को ध्यान रख करके आप इसका लाभ ज़रूर लें।